विकासनगर में कालसी थाना क्षेत्र अंतर्गत टॉस नदी में डूबकर लापता हुई 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी का शव सीआरएफ की टीम द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद डाक पत्थर बैराज से बरामद कर लिया गया है। बता दें कि यह घटना बीते दिन उस समय घटित हुई जब नाबालिग किशोरी अपने 6 साथियों के साथ सहस्त्रधारा मंदिर दर्शन को जा रही थी। उसी दौरान 14 वर्षीय नेहा शाही टोंस नदी पार करते समय पैर फिसलने से नदी के पानी में डूबकर लापता हो गई, जिसकी तलाश में स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार प्रयास किए गए। 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने नाबालिग का शव बरामद कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस द्वारा सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। की घटना है लगभग 2 बजे और ये थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें हम कल से सर्चिंग कर रहे थे और इसकी सर्चिंग हम आज भी सुबह से ही अभी तक कंटिन्यू जा रही थी, जिसकी सफलता हमें अभी मिली है और इसकी पहचान लड़की की नेहा के नाम से हुई है और अभी हम इनको जिला पुलिस के सपोर्ट कर रहे हैं।